नमस्कार बच्चों, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैन से मनीषा त्रिपाठी हूँ और आज मैं आपको बसंत कक्षा 7 के एक पाठ को पढ़ाऊंगी जिसका टॉपिक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज पिल्ले। ये देखिए बच्चों, ये चित्र है हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का जो हॉकी खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए बच्चों, धनराज पिल्ले जी का जीवन क्रम, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से नवाजा गया था। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले साल 1968 में 16 जुलाई को पैदा हुए थे। 339 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले इन्होंने 1979 से 2004 के बीच में, 170 गोल दागे और अपने करियर में और प्ले मेकर बनकर कई गोल करने में मदद दी। 4 ओलंपिक वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशियन गेम्स में खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। इंग्लैंड, फ्रांस, मलेशिया, बांग्लादेश, जर्मनी और हांगकांग के विदेशी क्लबों के लिए भी इन्होंने खेला था। 2014 में आम आदमी पार्टी के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं इनके कुछ प्रश्न इस पाठ के। प्रश्न 1, धनराज पिल्ले के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है, धनराज पिल्ले के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। वे सरल थे, सीधे साधे, स्पष्ट वक्ता, स्वाभिमानी, भावुक और परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे। प्रश्न 2, धनराज जी की सफलता का सफर कैसा था? उत्तर, धनराज जी की सफलता का सफर काफी संघर्ष भरा था। नंबर 1, धनराज एक साधारण परिवार से थे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। माँ ने उनके पालन पोषण के लिए बहुत संघर्ष किया। हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे। बड़े भाई के भारतीय कैंप में चुनने के बाद उनकी पुरानी हॉकी स्टिक धनराज को मिल गई, जिससे वो अभ्यास करने लगे। नंबर 3, जहां चाह वहां रह। लगातार अभ्यास करके वो ओलविन एशिया कैंप में वो चुने गए। 4, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5 ओलंपिक खेले। धनराज की मां ने उनको बचपन में क्या शिक्षा दी? तो इसका उत्तर है, धनराज की मां ने उनको अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। कभी भी घमंड ना करने की सलाह दी, क्योंकि घमंड पतन का रास्ता खोलता है। प्रश्न 4, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। धनराज पिल्ले की इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हम धनराज जी की बात से पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे महान लोग हुए जिनका नाम उनके कार्यों के कारण अमर है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे जीवन भर संघर्ष करते रहे, जैसे अब्दुल कलाम, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। ऐसे लोगों की सूची बहुत लंबी है। प्रश्न 5, हॉकी का खेल व भारत, इसके विषय में बताएं। हॉकी में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, इसीलिए ये भारत का राष्ट्रीय खेल था। भारत ने हॉकी में अब तक 1928 से 1956 तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक लगातार जीते हैं। इसके बाद भारत ने हॉकी में अगला स्वर्ण पदक 1964 और अंतिम स्वर्ण पदक 1980 में जीता। 1932 के ओलंपिक में हुए 37 मैचों में भारत द्वारा किए गए 330 गोल में ध्यानचंद ने अकेले 133 गोल किए थे।
द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त ऑन द बर्थ ऑफ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद. दिस डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद सिंह द हॉकी प्लेयर हु वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया इन द ईयर 1928, 1932 एंड 1936. प्रश्न 6, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताएं. मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के कप्तान थे. उन्हें विश्व हॉकी क्षेत्र में बेहतरीन खिलाड़ी का स्थान प्राप्त था. वे 3 बार ओलंपिक खेलने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे. उनकी स्टिक को जादुई स्टिक माना जाता था. उसमें चुंबकीय शक्ति थी. वास्तव में यह उनके खेल का जादू था. जर्मनी के हिटलर सम्राट ने उन्हें अपनी ओर से खेलने की पेशकश की. उनका काल 29 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1979 तक माना जाता है. बच्चों, ये चित्र है मेजर ध्यानचंद सिंह जी का, जिनका समय था 29 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1979 तक. धन्यवाद बच्चों. आशा है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे.